उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रयान 3 चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर भारत। कामयाब हुआ चंद्रयान तो बदल जाएगा इतिहास, और बदल दिया है भारत ने इतिहास। कामयाब हुआ चंद्रयान 3। पौराणिक कथाओं के में जहां चंद्रमा को देवता, सौंदर्य और कलाओं का स्वामी माना गया है, वहीं शायरियों और कविताओं में चंद्रमा प्रेमी हृदय में भीतर अपना उपमा बनकर अलंकृत हुआ। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में देखा गया है हमेशा से। बीते लंबे समय से चंद्रमा इंसानों के लिए एक उत्सुकता का केंद्र बना रहा है। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं के में ने चांद और सूरज को लेकर कई कल्पनाओं और मिथकों और कहानियों को अपने जीवन और परंपराओं का हिस्सा बनाया गया है। चांद और सूरज आसमान में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले ऐसे उपग्रह हैं और सितारे हैं जिन्हें रोजाना खुली आंखों में निहारते हुए मनुष्य मन के भीतर प्रकृति के कारण ग्रह का उपग्रह कहलाता है, यानी पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। गौरतलब है कि 60 और 70 के दशक में अमेरिका और सोवियत के साथ हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अपोलो मिशन के अंतर्गत अमेरिका ने साल 1969 में अपने दो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। 23-24 अगस्त के बीच किसी भी समय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैजिंजिस यूं कहे तो चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। LV-M3 और M4 रॉकेट 179 किलोमीटर ऊपर तक ले गया। उसके बाद उसने चंद्रयान 3 को आगे की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में धकेल दिया। इस काम में रॉकेट को मात्र 16.15 मिनट लगे। ऋतु करिधाल श्रीवास्तव के लखनऊ में मौजूद उनके परिवार के लोगों के साथ, ऋतु करिधाल के शिक्षकों से भी जब बातचीत करने में पता चला कि नवयुगा कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव ने ऋतु की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऋतु पर मिशन मंगल फिल्म भी बनी है, इसमें उनकी भूमिका विद्या बालन ने निभाई है। आज चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई के दोपहर यानी आज दोपहर 2:35 बजे श्री हरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी थी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ है और 23 और 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। मिशन चंद्रमा के उस हिस्से तक लॉन्च होगा जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। इसको चांद तक पहुंचने वाला रॉकेट LVM क्या है? भारत के उन्नत बाहुबली रॉकेट LVM-3 से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया। बीते बुधवार को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 युक्त एनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया था। 130 हाथियों का वजन और ऊंचाई कुतुब मीनार की आधी चंद्रयान 3 मिशन में 3921 किलोग्राम वजनी उपग्रह लगभग 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। रॉकेट का वजन 642 टन है, जो लगभग 130 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है, जो कुतुब मीनार 72 मीटर की आधी से अधिक ऊंचाई है। रॉकेटों में शक्तिशाली प्रणोदन प्रणालियां होती है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पर काबू पाकर उपग्रह जैसी भारी वस्तुओं का अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जरूरी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। LVM-3 भारत का सबसे भारी रॉकेट है। प्रक्षेपण यान 8 टन का तक पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षाओं LEO तक ले जा सकता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। हालांकि जब भूस्थैनिक स्थानांतरण कक्षाओं GTO की बात आती है तो यह केवल लगभग 4 टन भार ले जा सकता है। भूस्थैनिक स्थानांतरण कक्षा पृथ्वी के काफी आगे लगभग 35,000 किलोमीटर तक स्थित है।
LVM3 ने 2014 में अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा की और 2019 में चंद्रयान 2 ने भी ले गया और इस साल मार्च में यह LEO में लगभग 6000 किलोग्राम वजन वाले 36 वनवेव उपग्रहों को ले गया जो कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की अपनी क्षमताओं को दर्शाता है। ये दूसरी बार था जब LVM3 ने व्यावसायिक लॉन्च किया। पहली बार अक्टूबर 2022 में इसने वनवेव इंडिया 1 मिशन को लॉन्च किया था। चंद्रयान मिशन 2 में मिशन डायरेक्टर और चंद्रयान मिशन 3 में भी मिशन डायरेक्टर जिम्मेदारी संभालने वाली रॉकेट वुमेन ऋतु करिधाल श्रीवास्तव यानी रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाने वाली लखनऊ में मौजूद घर में उनके इस समय खुशी का माहौल छाया है क्योंकि चंद्रयान मिशन जो चंद्रयान 3 है वो मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। उज्जवल भारत की भी न्यूज़ टीम की ओर से पूरी टीम की ओर से ऋतु जी को और इस पूरे चंद्रयान में जुड़े हर व्यक्ति को और हमारे भारत के हर भारतीय को इस बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं इस सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए। उज्जवल भारत की पूरी टीम की ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जवल भारत प्रखर आवासीय, धन्यवाद।